Thank you. अम्मी को आपका बयान अच्छा लगा है, इसलिए तो आपको रोका। आप रुक जाए, घर पे कोई बहाना बना दीजिएगा। बहाना? सारा मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। खासतौर पे अपने घर वालों से। एक्चुअली मैं बस चाह रही थी कि हम कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते और कुछ नहीं। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अभी आपको आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऑफिस के वाइफ उन्हें छोड़ रही है, उनके साथ नहीं रहना चाहती। सर, मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही। अकेले किसी का खाता भाव मत करो। तुम तो ये सब कुछ भुगत चुकी हो ना, तुम्हें तरस नहीं आता? बहुत बदगुमान होगी। दरमियान की इस दूरी को खत्म नहीं करेंगी तो ये बदगुमानी बढ़ती चली जाएगी। कोशिश कीजिए कि इस दूरी को खत्म कीजिए। इरादा ही तो कामयाबी देता है। हमारी मानिए तो अपने कमरे में वापस जाइए। नहीं नाना, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। हम आपसे कह रहे हैं तब भी नहीं जाएंगे। अरे यार, आप तो अच्छी खासी नाराज हैं। काम करते हैं, शुरू से आपको सब बताता हूं। यकीनन आपकी सब गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। उठा लें कॉल, मेरी वजह से आपको ये
कॉल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपके सामने से बात कर रहा हूँ। हेलो, प्लीज रिलैक्स करें, मैं आ रहा हूँ, मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर। यहाँ क्यों आए? आपको इससे मतलब? जाएं यहाँ से। ऐसा क्या कह दिया मैंने? चला जाऊंगा। क्लास, आप मुझे समझ नहीं आती, आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? छोड़ दूंगा यार, मैं रोकता हूँ आपको बहुत, पर नहीं कंट्रोल कर पाता। I can't believe this. मुझे आज भी याद है तुमने उस रात वो पीला जोड़ा पहना था मेरे नाम का। हम कितने खुश थे। जरा सा इख्तलाफ नहीं है हमारे दरमियान। हम दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ रहने के बावजूद भी आपकी सोच बहुत छोटी है, जिसे आप कहते हैं कि आप बहुत आजाद ख्याल हैं, लेकिन मैं बाहर पली बड़ी हूँ, मेरी परवरिश वहाँ हुई है। उसके बावजूद मुझे मेरी लिमिट पता है। मैं आपके जैसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी हद जानती हूँ। लेकिन मैं बदल रहा हूँ अबीर, ट्रस्ट मी। तभी तो मेरी उस अमल के साथ नहीं बन पा रही। ये मेरा मसला नहीं है, मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं। एक मौका देकर देख और जिस हन्नान के लिए तो मुझे छोड़ रही हूँ, उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है ना। तो अगर उनकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो ना हो, मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन आपकी तरफ तो मैं देखना भी गवारा नहीं करती। अपनाना तो दूर की बात है। ये बात समझने की कोशिश कर। मैंने आपसे इतनी बार कहा कि मैं तुम हनान,